हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रेसिपी ब्रेड पिज़्ज़ा की। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं ब्री कटे हुए प्याज, ब्री कटा हुआ टमाटर, ब्री कटी हुई शिमला मिर्च, मजरोला चीज़, नमक, मलाई, शेजवान चटनी और ब्रेड। और सबसे पहले हमने इसमें 2 चम्मच मलाई ले ली है, या फिर आप क्रीम भी ले सकते हो। फिर हम इसमें सब जो मटेरियल है जो हमने काट कर रखा है वो ऐड कर लेंगे। इसमें हमने सब मटेरियल ऐड कर लिया, इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर मलाई की और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी और ऐड कर सकते हो आप। अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, ये हमने 1 चम्मच नमक लिया है। हमने जो नमक ऐड किया और आप स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें शेजवान चटनी ऐड कर देंगे, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। यह हमारा मटेरियल अब तैयार हो चुका है। अब इसको हम ब्रेड पर लगाएंगे और फिर इसको हम ग्रिल करेंगे। इस पर हम थोड़ा मजरोला चीज़ भी लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है मजरोला चीज़ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इसी तरह हम दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। अब ये ग्रिल करने के लिए रेडी है। अब हमने इसको ग्रिलर में रख लिया है, अब हम इसको ग्रिल करेंगे। सर्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसको हमने कुछ टाइम लगाकर ग्रिलर में ग्रिल किया है। अब इसको हम काट कर देखते हैं। जैसे पिज़्ज़ा में मजरोला का फ्लेवर आता है वैसे ही आएगा इस पर भी। अब ये खाने के लिए रेडी है। इसमें हमने सारी हेल्दी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे आपको पता ही है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह, और सारी हेल्दी चीज़ें, इसलिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा होता है। पहले एक हमने सैंडविच की वीडियो बनाई थी और ये ब्रेड पिज़्ज़ा की, ये बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। आप अगर सैंडविच की वीडियो भी देखना चाहते हो तो वो आई टैब पर देख सकते हो। इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, कोई और वेजिटेबल, तो वो भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको घर पर ट्राई करोगे और बनाओगे तो। आप घर पर बनाना और ट्राई करके हमें बताना कि आपको कैसा लगा। ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपियों के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते